Hello student, as you know, we had started chapter 6, triangle, or in previous video lecture, we had seen theorem 6.1, Thales theorem, or exercise 6.1, ठीक है, तो आज की जो questions है हमारे exercise 6.2 के, वो पूरे Thales theorem पे है, तो अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहले lecture start करने से पहले, Thales theorem क्या था, एक बार review कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए क्वेश्चंस. तो देखिए थेल्स थ्योरम में क्या बोला गया था, इन ट्रायंगल एबीसी इफ वन साइड एंड इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इससे जो दो पार्ट्स बनते हैं उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल, दैट मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन क्या होगा, ईसी. ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट अपॉन नीचे वाला पार्ट, और उसका ही कन्वर्स थ्योरम है जो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट वो क्या बोलता है वो हमें समझना है कि अगर ये रेशियो सेम है कोई भी ट्राइंगल में, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो क्या होगा, ये लाइन क्या होगी, साइड बीसी को पैरेलल, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 1 एंड 2 DE पैरेलल BC, DE क्या है, BC को पैरेलल, फाइंड EC इन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, EC फाइंड करना है, ठीक है. हियर वी हैव गिवन टू डिफरेंट फिगर्स एंड वी हैव टू फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है. तो चलिए फाइंड करते हैं, सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं. For figure 1, AD is equal to 1.5, BD is equal to 3 cm, AE is equal to 1 cm, and EC we have to find. Okay, now see student, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Triangle ABC and DE parallel BC, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहां पे लिखेंगे हियर वी हैव गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई क्या है, बीसी को पैरेलल, सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी. नाउ पुट द वैल्यू, एडी की जगह पे क्या आएगा 1.5, डीबी की जगह पे 3, ए की जगह पे क्या है 1, एंड इसी वी हैव टू फाइंड, ठीक है. नाउ जिसको फाइंड करना है इसे इस साइड ले लेते हैं, तो क्या होगा, इसी सेट जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो 3 × 3 = 1.5 नीचे आएगा, ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट, इसी इज इक्वल टू क्या होगा 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है. नाउ सी 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 15 का इसी की वैल्यू क्या है 2 cm, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसी, सेंटीमीटर. इसे समझते हैं स्टूडेंट, क्या दिया था हमें, इन फिगर 1 एंड 2 डीई पैरेलल इज, डीई क्या है, इसी को पैरेलल, फाइंड ईसी इन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, ईसी की वैल्यू, ठीक है. तो आपको पता है कि जब भी डीई पैरेलल बीसी होता है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी. नाउ एडी की वैल्यू क्या है 1.5, डीबी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू 1, और ईसी की
is equal to 2 centimeter and we got our answer. Okay, now see question number 2. E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR for each of the following cases. State whether EF parallel QR. देखिए क्या बोला है हमने E and F are points on the side PQ and PR. ठीक है तो सबसे पहले PQ and PR साइड ड्रॉ कर लेते हैं PQR E and F are points on PQ and PR. ठीक है now see for each of the following cases state whether EF parallel QR EF QR को parallel है कि नहीं वो हमें बताना है तो आपको पता है कि अगर ये ratio सेम हो कौन सा ratio PE upon EQ is equal to PF upon FR वाला ratio सेम हो तो क्या बोल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल QR ठीक है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है कि नहीं ठीक है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा क्या है सी PE इज इक्वल टू 4 देन QE इज इक्वल टू 4.5 then EF is equal to 8
एंड आर एफ इज इक्वल टू 9। तो देखिए अगर हम इसका रेशियो लें तो क्या होगा, पीई अपॉन क्यूई। ठीक है, तो देखिए 4/4.5 और 8/9 ये रेशियो सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक साइड क्या है 4/4.5 8/9। दैट मींस यहां पे लिखेंगे दैट मींस पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये रेशियो हमें सेम नहीं मिला, सो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या लिखाना था हमें, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। हमने पहले मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर ये रेशियो सेम होता है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थैल्स थ्योरम वी कैन से दैट कि ये साइड जो है ये लाइन जो है ये क्या है ये साइड के पैरेलल। ठीक है, बट अगर ये रेशियो सेम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये साइड के पैरेलल नहीं है। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। चलिए तो देखिए PE इज इक्वल टू क्या है 4, QE इज इक्वल टू ये हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए PE इज इक्वल टू क्या है 3.9। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं EQ इज इक्वल टू 3, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो देखिए 3.9, 3, 3.6, 2.4। तो यहां पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं PE अपॉन QE, तो 3.9/3 एंड PF अपॉन RF 3.6, 2.4। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2 × 3 एंड 1.2 × 2, तो 1.2 कट। ठीक है, तो पी एफ अपॉन आर एफ क्या होगा 3/2, बट स्टिल यहां पे क्या है 3.9 एंड 3, तो ये रेशियो सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं सो We can say that PE upon QE is not equal to PF upon RF. So, क्या बोल सकते हैं हम? EF is not parallel to QR. ठीक है, EF क्या है? QR के parallel नहीं है, क्योंकि ये रेशियो सेम मिला नहीं है। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, अगेन से मेथड PQ क्या है 1.28 क्या है 1.28 या क्या है वैसे ही PE क्या है 0.18।
तो देखिए PQ is equal to 1.28, PR is equal to PQ क्या दिया है 1.28, PR is equal to 2.56, PE is equal to 0.18 and PF is equal to 0.36. ठीक है, तो देखिए करते हैं PE upon PQ, ठीक है, ये पार्ट आधा पार्ट एंड पूरा पार्ट PF upon PR, ठीक है, तो PE की वैल्यू क्या है 0.18 एंड PQ की वैल्यू क्या है 1.28, ठीक है, नाउ PF की वैल्यू क्या है 0.36, PR की वैल्यू क्या है 2.56, तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18 मल्टीप्लाई टू एंड 1.28 मल्टीप्लाई टू, तो देखिए 2 क्या हो जाएगा कट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं PF अपॉन PR इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.28, ठीक है, क्या बोल सकते हैं PF इज इक्वल टू 0.18 PR इज इक्वल टू 1.28, सो हियर क्या होगा PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR, हेंस वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम EF पैरेलल QR, क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं कि EF पैरेलल QR, क्योंकि हमें ये रेशियो क्या मिला सेम PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR वाला रेशियो क्या मिला सेम, and if ratio is same, so we can say that these both are parallel to each other according to converse of Thales theorem, ठीक है, तो इसी के साथ student आपका question number 2 complete हुआ, now we will see question number 3, ठीक है, आज की जो questions है student सभी के सभी Thales theorem and converse of Thales theorem पे है, तो अगर आपको ये थ्योरम समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है, और ये 1 मार्क और 2 मार्क्स में आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फिगर इफ LN पैरेलल CD, LN क्या है CD के पैरेलल एंड LN पैरेलल CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AB, ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ए बी सी, उसमें क्या है LM अपॉन BC, तो हम ये बोल सकते हैं AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL ऊपर वाला हाफ पार्ट अपॉन AC, ठीक है, क्या बोल सकते हैं AM अपॉन AB, AM ऊपर वाला हाफ पार्ट थैंक फुल पार्ट ऊपर वाला हाफ पार्ट
फुल फैट अकॉर्डिंग टू हेल्थ थ्योरम. गिव इक्वेशन नंबर वन. नाउ इन ट्राइंगल, अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी. अकॉर्डिंग टू हेल्थ थ्योरम अगेन वी कैन से दैट ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. इक्वेशन नंबर टू. नाउ सी यहां पे ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए एम अपॉन ए डी, और यहां पे ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए एन अपॉन ए डी. तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से है, क्या बोल सकते हैं हम, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए बी. तो ये भी तो हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूफ. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. हमने सिर्फ क्या किया, हेल्थ थ्योरम का यूज किया, दोनों साइड दो ट्राइंगल्स लेके दोनों जगह पे हमने क्या किया, हेल्थ थ्योरम. फिर से समझिए क्या किया था हमें. इन द फिगर इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB then and LM पैरेलल CD प्रूफ है. LM पैरेलल CD प्रूफ है. क्या प्रूफ करना था, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. तो देखिए पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल ABC और थेल्स थ्योरम अप्लाई किया. थेल्स थ्योरम में क्या होता है, AM अपॉन AB भी लिख सकते हो और AM अपॉन AB भी लिख सकते हो. तो AM अपॉन AB अपॉन इज इक्वल टू AL अपॉन AC. ठीक है, ये वाली साइड का रेशियो भी इक्वल लिया. नाउ ACD में क्या, AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD. बिकॉज अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम अकॉर्डिंग ये रेशियो क्या होंगे, सेम. फिर क्या किया, दो इक्वेशन की कंपेयर की. And from equation 1 and 2, we can say that AM upon AD is equal to AN upon AD. ठीक है? And वही चीज़ तो हमें क्या करनी थी? Prove. तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं. In next lecture, we will see remaining questions of this exercise. And I hope so कि आज के questions आपको समझ में आए होंगे. ठीक है? सारे के सारे questions किस पे थे? Thales theorem पे. तो एक बार अगर थेल्स थ्योरम आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लेना ताकि आपको इजीली समझ में आ सके ये क्वेश्चंस. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.